ये सदर बाजार चास का इलाका है। आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर किस तरह की कोई पैनिक स्थिति नहीं है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो स्थिति है यहाँ पर लोगों का जो आवाजाही है वो बहुत कम है। आमतौर पर लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद लोग अपने घरों में हैं। जो ज़रूरी सामान का जो संग्रह है उन लोगों ने इंतज़ाम घर में कर रखे हैं। बाज़ार के अंदर जो स्थिति है वो आमतौर पर सामान्य है, किसी तरह का कोई आपाधापी नहीं है। आप देख रहे हैं सदर बाज़ार के अंदर किसी तरह की कोई पैनिक स्थिति नहीं है, भीड़ भाड़ एकदम नहीं है, लोग अपने घरों में हैं। COVID-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण लोगों के अंदर भय है। प्रधानमंत्री के अपील और जिला प्रशासन के सख्ती के बाद लोगों ने आत्मनियंत्रण शायद सीख लिया है। बोकारो और धनबाद की, बोकारो और चास की जो जनता है वो काफ़ी जागरूक है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं अपनी सेहत के लिए और अपने परिवार की सेहत के लिए। गाड़ी अगर किसी दूसरे राज्य में या अपने राज्य के भीतर भी किसी हिस्से में रोकी गई है तो तत्काल सूचित करें, हम लोग संबंधित जिला प्रशासन से बात करके उसको रिजॉल्व करेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि आहार के आवागमन पे किसी तरह के जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट और सख्त निर्देश है डाउन द लाइन सभी ऑफिसर्स को कि वैसी गाड़ियों को किसी भी सूरत में कहीं खड़ा नहीं कराया जाना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई संकट है, थोड़ी बहुत अनुपलब्धता की दिक्कत थी उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक कोई आपके पास भी जानकारी हो तो हम लोग को सूचित करेंगे, संबंधित पदाधिकारी बात करके उसको रिजॉल्व कराने का।